परम पूज्य संत विनोबा भावे को मैं प्रणाम करती हूँ और उनको नमन करती हूँ। 11 सितंबर को उनका 125वां जन्मदिन है। यह बा और बापूजी का भी 150वां जन्मदिवस है और इन सब महान व्यक्तियों को एक साथ नमन करने का और प्रणाम करने का मुझे यह मंगल पुण्य अवसर प्राप्त हुआ है। बापू जी का और विनोबा जी का जो आपस में जो संबंध था वह एक अद्भुत था। बापू जी अपने आध्यात्मिक यात्रा में तो रहते थे और विनोबा जी ने उस आध्यात्म को समझा जो शायद बापू जी जिसके बारे में बोलते नहीं थे, लेकिन उनकी यात्रा आध्यात्म की थी। तो गांधी का जो अध्यात्म था उसका जीवंत रूप, उसको कर्मयोग में लाने के लिए विनोबा जी जैसे हमारे पास एक महान ऋषि हुए हमारे देश में। भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा के एक महान व्यक्ति का हमें इस भारत में परिचय हुआ। विनोबा जी ने जो बापूजी के लिए कहा और बापूजी ने जो विनोबा जी के लिए कहा वो तो अपने में ही एक विशाल विषय है। उसको पढ़ें तो लगता है बापूजी के बारे में तो उन्होंने अंतिम शब्द कह दिए। और वैसे देखा जाए तो बापूजी ने जीवन के हर क्षेत्र में अंतिम शब्द कह दिए थे। विनोबा जी का जो लेखन है मैं उसके लिए बहुत ही आभारी हूँ व्यक्तिगत स्तर पर, क्योंकि जब पढ़ती हूँ तो मुझे शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है और आज के वर्तमान को समझने की भी शक्ति मिलती है। और उसका एक वर्तमान को कैसे करें, जैसे हमें उलझन में से निकालते हैं। विनोबा जी ने जो कहा है वह तो शाश्वत है। उनका जो योगदान रहा, जो अध्यात्म को और भक्ति योग को, ज्ञान योग को उन्होंने जिस तरह से समझ के कर्म योग में रखा, वह आश्चर्य की बात तो नहीं है, क्योंकि उनके प्रथम गुरु उनकी माँ रही हैं, फिर उनके जीवन में महाराष्ट्र की भूमि से प्रेरित रहे, जैसे महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े महान ऋषि लोग हुए, महान संत लोग हुए, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, और फिर उसके बाद ऐसे कितने ही हुए जो महाराष्ट्र की भूमि से आए, लेकिन उनकी माता ही उनकी प्रथम गुरु थी। अपने 8 वर्ष की आयु में उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। बाद में उन्होंने महान ग्रंथों को, जीवन के सब ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा और समझा, सारी भाषाएं सीखी। मुझे तो आश्चर्य होता है कि एक व्यक्ति ने इतना सब अपने जीवन काल में ग्रहण कैसे किया। फिर उधर शंकराचार्य, परमहंस रामकृष्ण इन सबके प्रभाव में रहे। बंगाल से उनको विशेष प्रेम था, हिमालय से उनका अद्भुत प्रेम था, प्रकृति से था। तो उन्होंने जो किया वो आज के संदर्भ में समझने की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने जिस तरह से सब धर्मों को एक सुंदर शब्दों में, जिस तरह से कविता में किया, शायद हम इस कविता के अर्थ को या इस मंत्र के अर्थ को ही समझ लें तो शायद हम आज की सब समस्याओं से ऊपर जाएंगे और धर्म भेद, जाति भेद, विचार भेद सबसे अलग होकर हम लोग एक शांतिपूर्ण वातावरण में, एक विकसित वातावरण में रहेंगे। मैं यह जरा दोबारा इसको मैं पढ़ना चाहती हूँ। ओम तत्सत श्री नारायण तू पुरुषोत्तम गुरु तू सिद्ध बुद्ध तू स्कंद विनायक सविता पावक तू
समस्त तू, यव शक्ति तू, ईशु पिता प्रभु तू, रुद्र विष्णु तू, राम कृष्ण तू, रहीम ताओ तू, वासुदेव को विश्व रूप तू, चिदानंद हरि तू, अद्वितीय तू, अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तू। इसके बाद हम और विनोबा जी के लिए हमारे कहने का क्या सामर्थ्य क्या है, यदि हम यही समझें। आज जितने इस तरह के सारी दुनिया में जिस तरह से आतंक फैला हुआ है, एक हिंसक मानस की हिंसा का और पर्यावरण की प्रदूषण का और उसके बाद प्रकृति के प्रकोप का, जो ये कोरोना वायरस के नाम से सारे जगत को जिसने अपने लपेटे में रखा है, हम कुछ विचार करें कि किस तरह से ये ऋषि लोग रहते थे। गांधी को भी मैं ऋषि मानती हूँ। गांधी और विनोबा जी कैसे रहते थे, उन्होंने कितने कम वस्त्र में रहे, आखिर में प्रयोग किए, कितना ऋषि होते हुए भी, साधु होते हुए भी उन्होंने उस तरह का एक किसान का सब परिधान चुना। और उनका जो नियम था, वो जैसे खाने का, विनोबा जी जैसे बहुत कम आहार लेते थे, बापूजी भी तो वैसे ही लेते थे, और एक तरह का कितनी कम वस्तुओं से रहते थे। और विनोबा जी के पास जब मैं गई हूँ, छोटी थी मैं, बाद में इतनी छोटी भी नहीं थी, मेरी एक बेटी भी थी, उसको भी लेके गई थी। मुझे विनोबा जी का प्रथम परिचय मेरी माँ से ही मिला। उन्होंने कहा विनोबा जी जैसे महर्षि हमारे देश में बहुत कम है, शायद उनके जैसा शायद कोई भी नहीं है। तो माँ के साथ गई हूँ, शायद दिनों तो 3 या 4 बार हुआ होगा। तो उनके पास जब जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था मैं गांधी अपने दादा या नाना के पास बैठी। इतनी सात्विक प्रेरणा मिलती थी। और विनोबा जी में एक विनोद था, हास्य था, जो मैंने उनके अनुयायी श्री काका साहब कालेलकर में भी देखा। मैंने वही चीज़ एक त्याग की मूर्ति और एक विदुषी महिला से भी मेरा परिचय हुआ, निर्मला देशपांडे जी, जो विनोबा जी के साथ रही और विनोबा जी को समझा। उसके बाद अभी हाल में हमारी पवनार की एक बहन है, चतुरा रास्कर, उम्र में तो मेरी बेटी जैसी होंगी, लेकिन उनके साथ, उनसे मुझे इनका बहुत ही परिचय और भी मिला। जैसे मुझे उस दिन चतुरा कह रही थी कि बापूजी ने जो एकादश व्रत को जिस तरह से मंगल प्रभात में लिखा, उसको विनोबा जी ने मराठी में अभंग के रूप में प्रस्तुत किया। अभंग एक आध्यात्म कविता को कहते हैं, ऐसा मुझे चतुरा बता रहे थे। अब देखिए कहाँ कहाँ विनोबा जी ने अपने मानस को, अपने विचारों को किस पवित्रता से, किस बुद्धि से, ये मैं कहूँ, लेकिन कभी कभी बापू जी की, गांधी की और विनोबा जी के बाद में जो वार्तालाप चली, कुछ कुछ मुझे गीता के अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद जैसे भी लगे। तुलना करना सही नहीं है, फिर भी मैं कहती हूँ कि कुछ कुछ इतनी समानता रही, दोनों ही अपने माँ से प्रभावित हुए, संतों से प्रभावित हुए, और दोनों में ही सिर्फ देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया को समझने का, सारे मानव समूह को समझने का उनको, उनमें वो शक्ति थी। वो जो कह गए हैं विनोबा जी, वो हमेशा ही हमेशा लगेगा कि आज के वर्तमान की बात है। विनोबा जी के लिए तो बहुत विद्वान लोग बहुत कुछ कहेंगे उनके कार्य के बारे में, लेकिन मैं तो थोड़ा ही कहूँगी जो मुझे लगा जब मैं उनके धाम नदी के पास
उनके पवनार आश्रम गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं विनोबा जी से बात कर रही हूँ। और उसी समय मुझे लगा कि मुझे और भी समझना है इनको। और फिर एक विचार आया कि आज का जो वर्तमान जो हमारे आतंक और भय की स्थिति है, जो भय के कारण जो हिंसा है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आज की हिंसामय स्थिति से निकलने के लिए एक ही रास्ता लगता है, वो बच्चों और नौजवानों युवाओं के प्रति हमारा ध्यान होना चाहिए। शिक्षकों को, माता पिता को, अभिभावकों को यह ध्यान में रहे ये जो नौजवान हैं, ये जो बच्चे हैं हमारे, वही कल के भविष्य हैं। तो हम उन्हें नफरत से न पोषित करें बल्कि उन्हें प्यार से पोषित करें, जहाँ पर ऐसा देश बने जहाँ एक राम मंदिर तो है ही, राम मंदिर बने तो ऐसा बने जो सारे ही देश को पवित्र करे और स्वच्छता लाए, जहाँ एक दूसरे के प्रति हम कहते हैं सहिष्णुता। सहिष्णुता शब्द भी मैं कहूँगी कुछ छोटा पड़ जाता है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस क्यों हो, टॉलरेंस तो कुछ सही नहीं लगता। रिस्पेक्ट, हमें एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के धार्मिक आध्यात्मिक विचारों को, हमें को हमें इज्जत देनी चाहिए। सहिष्णुता नहीं, इज्जत। कोई मुझे कहे मैं आपकी माँ को मुझे सहिष्णुता से देखे, नहीं, इज्जत से देखे। गांधी चिंतन, खादी विचार, समाज विकास और मानसिक विकास और आत्मा का विकास और विनोबा जीवन, यह सब का जो अद्वैत है मैं उसको प्रणाम करती हूँ। मातृशक्ति जो कस्तूरबा में, कस्तूरबा ने दी हम सबको, बापूजी को दी। और जैसे कि बापूजी ने कहा कि यह मातृशक्ति सिर्फ महिलाओं में है, सिर्फ नारी शक्ति में, ऐसा नहीं है, यह मानव शक्ति में है, हर जीव में है। और यह विनोबा में भी वही मातृशक्ति थी। तो मातृशक्ति को प्रणाम करती हूँ, विनोबा जी की माँ को प्रणाम करती हूँ, बापू जी की माँ को प्रणाम करती हूँ, कस्तूरबा को प्रणाम करती हूँ और खादी चिंतन, विनोबा चिंतन, गांधी विचार, मातृशक्ति, इन सबके अद्वैत को प्रणाम करती हूँ।